14 जून को मुंबई के अपने फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे। इस घटना को 2.5 महीने बीत चुके हैं और उन 2.5 महीनों में उनकी मौत, बीमारी, बैंक डिटेल्स, गर्लफ्रेंड और परिवार से रिश्तों को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं। उनके दोस्त, परिवार के लोग, उनके साथ काम कर चुके लोग लगातार अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। इसमें क्या और कितना सही है ये तय कर पाना मुश्किल है। सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद मुंबई के एक शख्स ने उनकी बॉडी की हालत को लेकर कुछ दावे किए थे। नाम न बताने की शर्त पर इस शख्स ने दावा किया था कि उसने सुशांत का पूरा पोस्टमार्टम देखा है। सुशांत के शरीर पर चोट के कई निशान थे। उसने ये भी कहा था कि वो उस एम्बुलेंस में मौजूद था जिसमें सुशांत की बॉडी को कुबर अस्पताल से शमशान घाट ले जाया गया। उसके इन दावों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब उस शख्स को लेकर एक अजीब जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही उस शख्स का एक अजीबोगरीब भी बयान सामने आया है। उसने कहा, मुझे बड़े लोगों की मैयत में जाने में मजा आता है। एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई, इसलिए मैं देखने आया था। मैं सोशल वर्कर हूँ। हालांकि उसने अपने काम के बारे में डिटेल में बात नहीं की। उसने बताया कि वो कूपर अस्पताल में काम नहीं करता है। खुद को वहां का कर्मचारी बताकर वो पोस्टमार्टम रूम में घुसा था और इसी तरह शमशान घाट में पहुंचा था। उसने दोहराया कि सुशांत के शरीर पर चोट के कई निशान थे। हालांकि जब उससे पूछा गया कि क्या चोट के निशान पोस्टमार्टम के थे, तो उसने बताया कि वो महज 10वीं पास है और बता नहीं सकता है कि चोट के निशान थे या पोस्टमार्टम के थे। उसने बताया कि बाद में उसने इस बारे में गूगल पर सर्च किया था, हो सकता है कि निशान पोस्टमार्टम के हों। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि रिया ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था और उनके साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी की। सीबीआई ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनसे मुंबई में लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती द्वारा कुछ मीडिया संस्थानों को दिए गए अपने इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि सुशांत को 2013 में डिप्रेसिव एपिसोड्स हुए थे। 2019 में यूरोप ट्रिप के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि सुशांत के साथ कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद सुशांत ने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। इसके बाद डॉक्टर के पास सुशांत और रिया मिलकर गए थे। रिया ने इसके साथ ही अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सुशांत को उनके द्वारा कोई परेशानी हो या उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटस को लग रहे इल्जामों को भी सरे से खारिज किया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कोई पैसा नहीं लिया। खैर, इस पर आपका क्या कहना है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।